तो भाई आप ये सोच रहे होंगे कि मारुति स्विफ्ट की ZXi जो पेट्रोल वर्जन है उसकी तुलना रेनॉल्ट ट्राइबर RX-Z से क्यों की जा रही है, क्योंकि RX-Z तो ट्राइबर का टॉप मॉडल है लेकिन ZXi स्विफ्ट का टॉप मॉडल नहीं है। लेकिन इसके पीछे कारण है साथियों, और वो कारण है इसकी प्राइस। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की कीमत लगभग एक समान होने के कारण आज हम आपको स्विफ्ट ZXi पेट्रोल वर्जन का रेनॉल्ट ट्राइबर के RX-Z से पूरा तुलना करेंगे। तो नमस्कार साथियों, कारनामा पर आप सबका एक बार फिर से मैं गोपाल बिश्नोई तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करें इंजन की, तो यह कमाल हो रहा है। स्विफ्ट का ZXi का इंजन 1200 सीसी का है, लेकिन ट्राइबर का RX-Z का इंजन 999 यानी कि 1000 सीसी का है। तो यहाँ बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात आप मन में हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो ट्राइबर RX-Z है ये टॉप मॉडल है, और कोई भी कंपनी का जो मॉडल होते हैं उनकी जो विभिन्न वेरियंट्स होते हैं इंजन में कोई फर्क नहीं होता है, एक समान ही होता है। यही कारण है कि आपको यहाँ स्विफ्ट का इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर, अब स्विफ्ट का जो इंजन है इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वो है 4, जबकि ट्राइबर RX-Z के इंजन 3 सिलेंडर का है। और इनकी बॉडी टाइप की बात करें तो ZXi स्विफ्ट जो है वो हैचबैक स्टाइल की है, लेकिन ट्राइबर MUV स्टाइल की है। अब बात करें पावर की, तो क्योंकि आप देख रहे हैं इंजन में स्विफ्ट थोड़ा भारी पड़े, यही कारण है कि स्विफ्ट का इंजन 81 BHP का पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर 81 BHP का। लेकिन वहीं RX-Z ट्राइबर की बात करें तो इसका इंजन 71 BHP का पावर जनरेट करता है 6250 RPM पर। तो यहाँ पावर जनरेशन में थोड़ा बहुत गैप है, आप देख सकते हैं लगभग 10 BHP का। खैर, टॉर्क की बात करें तो 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है स्विफ्ट का इंजन, ये 4200 RPM पर जनरेट करता है। लेकिन ट्राइबर के इंजन की बात करें तो वो 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है लगभग 3500 RPM। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं स्विफ्ट की बात थोड़ी बाजी स्विफ्ट के हाथ में लग रही है। लेकिन अब बात करें माइलेज की, मारुति सुजुकी स्विफ्ट 21 का एवरेज क्लेम करती है, माइलेज क्लेम करती है, वहीं रेनॉल्ट की ट्राइबर RX-Z 20 का एवरेज क्लेम करती है, माइलेज क्लेम करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर भी यह माइलेज के मामले में स्विफ्ट ZXi 21 मान सकते हैं। अब यूज़र रेंटिंग की बात करें तो यूज़र रेंटिंग यानी जो लोग खरीदते हैं उसके बाद वो उनको रेंटिंग देते हैं, स्टार देते हैं कि भाई ये गाड़ी हमें इतनी पसंद आई, तो यूज़र रेंटिंग स्विफ्ट ZXi की यूज़र रेंटिंग 4.5 है, लेकिन ट्राइबर RX-Z की यूज़र रेंटिंग 4.4 है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। चलिए अब इंजन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं बूट स्पेस पर। तो स्विफ्ट ZXi में आपको 268 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन ट्राइबर RX-Z में आपको 84 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा विथ 7 सीट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यदि 7 सीट आप ट्राइबर में रखेंगे तो 84 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन यदि आप पीछे की 2 सीटें हटा देंगे और स्विफ्ट की तरह 5 सीटर के रूप में यूज़ करेंगे तो यहाँ आपको बूट स्पेस बहुत ज़्यादा 625 लीटर तक का मिलना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं आप किसे प्रेफर करें, ये आपके ऊपर है। सीटिंग कैपेसिटी की बात यदि करें तो आपको अभी पता चल ही गया होगा, क्योंकि स्विफ्ट ZXi 5 सीटर है, लेकिन रेनॉल्ट ट्राइबर RX-Z 7 सीटर है, और यही इसकी USP है, यही इसका प्लस पॉइंट है ट्राइबर का। खैर, आगे बढ़ें और ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इनका उपलब्ध नहीं है। अब पावर विंडो की बात करें तो विंडो फ्रंट और रियर दोनों जो है वो इसमें पावर विंडो है, स्विफ्ट में भी, ZXi में भी, और ट्राइबर RX-Z में भी पीछे और आगे दोनों तरफ पावर विंडो आपको मिलेंगे। अब ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ स्विफ्ट 21 रहेगी, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको ZXi में, लेकिन ट्राइबर RX-Z में ये नहीं मिलता है।
वहीं बात करें वैनिटी मिरर की तो दोनों वर्जन में आपको ZXi में और ड्राइवर में RXZ में दोनों में आपको वैनिटी मिरर मिलेगा। रियर एस इवेंट्स की बात करें महत्वपूर्ण है तो यहाँ ड्राइवर RXZ बाजी मार लेती है क्योंकि रियर एस इवेंट्स आपको ड्राइवर RXZ में मिलेंगे, स्विफ्ट ZXi में आपको पीछे एसी के पॉइंट्स पीछे की सीट के लिए अलग से नहीं मिलेंगे। अब बात करें नेविगेशन सिस्टम की तो यहाँ भी ड्राइवर बाजी मारती है क्योंकि स्विफ्ट ZXi में आपको नेविगेशन सिस्टम नहीं मिलेगा लेकिन ड्राइवर RXZ में आपको नेविगेशन सिस्टम मिलेगा। ग्लोव बॉक्स कूलिंग की बात करें तो आपको स्विफ्ट में ग्लोव बॉक्स कूलिंग की सुविधा नहीं मिलेगी और लेकिन ड्राइवर RXZ में आपको ग्लोव बॉक्स बहुत शानदार कूल मिलेगा। खैर ये कूलिंग बॉक्स की बात होगी। अब इनके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो यदि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तुलना लोग आमतौर पर यहीं से शुरू करते हैं जो मैं आपको बीच में बता रहा हूँ, तो ये क्या है, ये तुलना है। सबसे पहले बात करें इसकी लंबाई की तो स्विफ्ट की जो लंबाई है वो 3840 mm है लेकिन ड्राइवर RXZ की लंबाई 3990 mm है, यानी कि ड्राइवर 150 mm ज़्यादा लंबी है बनिस्पत स्विफ्ट के। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। अब बात करते हैं चौड़ाई की तो स्विफ्ट की चौड़ाई की बात करें तो वो है 1735 mm यानी कि 1735 mm और वहीं ड्राइवर की चौड़ाई की बात करें तो वो 1739 mm है। यहाँ भी थोड़ा सा चौड़ाई में भी ड्राइवर थोड़ी सी ज़्यादा है, 4 mm चौड़ाई ड्राइवर की स्विफ्ट की बजाय ज़्यादा है। अब बात करें हाइट की, स्विफ्ट ZXi की हाइट है 1530 mm यानी कि 1530 mm लेकिन ड्राइवर RXZ की हाइट है 1643 यानी कि 1643 mm और हाइट के मामले में ड्राइवर बाजी मार लेती है क्योंकि ड्राइवर की हाइट स्विफ्ट से 113 mm ज़्यादा है। अब बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो यह भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कच्चे रास्ते में चलने में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए स्विफ्ट ZXi का ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm जबकि ड्राइवर RXZ का ग्राउंड क्लियरेंस है 182 mm। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ा फर्क आपको दिखेगा। व्हील बेस की बात करें तो स्विफ्ट ZXi का व्हील बेस 2450 mm जबकि ड्राइवर RXZ का व्हील बेस 2636 यानी कि 2636 mm है, यहाँ भी 186 mm ज़्यादा है RXZ ड्राइवर का। चलिए अब बात करें सेफ्टी के कुछ फीचर्स के बारे में तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों में आपको स्विफ्ट ZXi और ड्राइवर RXZ दोनों में मिलेंगे लेकिन ब्रेक असिस्टेड की बात करें तो ब्रेक असिस्ट आपको स्विफ्ट ZXi में मिलेगा, ड्राइवर RXZ में नहीं मिलेगा। यहाँ स्विफ्ट ZXi बाजी मार लेती है। लेकिन बात करें चाइल्ड सेफ्टी लैग की तो ये दोनों जो वेरिएंट्स हैं स्विफ्ट ZXi और ड्राइवर RXZ दोनों में मिलेंगे। अब बात करें नंबर ऑफ एयरबैग की तो स्विफ्ट ZXi में आपको 2 एयरबैग मिलेंगे लेकिन ड्राइवर RXZ में आपको 4 एयरबैग मिलेंगे। यहाँ ड्राइवर अच्छे से बाजी मारती हुई दिख रही है। और स्पीड अलर्ट की बात करें तो ये भी आपको स्विफ्ट ZXi में स्पीड अलर्ट नहीं मिलेगा लेकिन ड्राइवर RXZ में आपको स्पीड अलर्ट मिलता है। स्पीड अलर्ट यानी कि गाड़ी जब आपकी तेज स्पीड में चलती है, 80 से ऊपर गाड़ी पहुंच जाती है, तब आपको एक बीप की आवाज़ के साथ अलर्ट किया जाता है कि भाई गाड़ी रफ्तार से चल रही है, कृपया सावधानी से चलाएं। हालांकि गाड़ी हमेशा सावधानी से ही चलानी चाहिए। अब जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, 8 इंच का जो टच स्क्रीन मिलता है आजकल की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा, उसकी बात करें तो वो भी आपको स्विफ्ट ZXi में नहीं मिलेगा और ड्राइवर RXZ में 8 इंच का मिलता है। तो यहाँ भी आप यदि आधुनिक फीचर्स के शौकीन हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ
कॉमन चीजों का और कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे लेदर स्टेयरिंग व्हील आपको स्विफ्ट ZXi में मिलेगी जबकि ट्राइबर RXZ में नहीं मिलेगी। इसके साथ ही बात करें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट की, तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखें, आपको स्विफ्ट ZXi में ये सीट ड्राइवर सीट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपनी हाइट के अनुसार उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्राइबर RXZ टॉप मॉडल होते हुए भी उसमें आप ड्राइवर सीट को ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं कर सकते, आगे पीछे किया जा सकता है। और ये ड्राइवर लेने वाले के सामने ये कुछ समस्या भी आती है और कुछ लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि बोनट को देखने में प्रॉब्लम होती है ड्राइविंग के समय या नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं और ड्यूल टोन डैशबोर्ड की बात करें, तो यहाँ स्विफ्ट ZXi में आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड नहीं मिलेगा लेकिन ट्राइबर में मिलेगा। एलॉय व्हील की बात करें तो स्विफ्ट ZXi और ट्राइबर RXZ दोनों में आपको एलॉय व्हील मिलेंगे। रूफ रेल की बात करें तो ट्राइबर उसमें बिल्कुल आपको रूफ रेल मिलेंगे लेकिन ZXi में आपको रूफ रेल नहीं मिलेंगे। तो साथियों ये थी कुछ सामान्य सी जानकारी स्विफ्ट ZXi और ट्राइबर RXZ के बारे में। इस जानकारी के बाद आशा कर सकते हैं आपको दोनों की तुलना करने में आसानी रही होगी। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी कंपनी को प्रायोजित नहीं कर रहा हूँ, ये सभी जानकारी मेरी सामान्य समझ और विभिन्न माध्यमों पर उपलब्धता के आधार पर आपके सामने रखी गई है। इसके साथ ही एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि स्विफ्ट ZXi टॉप मॉडल नहीं है लेकिन ट्राइबर RXZ टॉप मॉडल है। फिर भी इन दोनों के बीच के कंपैरिजन के पीछे का उद्देश्य यही है कि इनकी कीमत लगभग एक समान है। तो साथियों एक बार फिर से आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार और आकर्षक बातें आपके सामने मैं रखूँगा, यहीं आपको ये चीज़ें मिलेगी। बाकी चैनल इतनी छोटी बातों के लिए अपना समय नहीं निकाल पाते हैं। आप सब वीडियो के यहाँ तक पहुँचे और इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।